एक समय की बात है, जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। वह बड़ा क्रूर था। वह हर दूसरे जानवर को परेशान करता था क्योंकि वह ताकतवर था। शेर के कारण जानवर अब एक साथ नहीं रह सकते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने शेर को उन्हें परेशान करने से कैसे रोका जाए इस पर चर्चा करने के लिए एक सभा बुलाई। हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा, एक खरगोश ने कहा। समूह का कहना है, मेरा मानना है कि हमें उसे सबक सिखाने के लिए किसी का चुनाव करना पड़ेगा। जानवर चिल्लाए और खुशी मनाई, लेकिन जब उन्होंने बाघ से पूछा तो बाघ ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया। हाथी ने सीटी बजाई और गेंडे ने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। कोई भी जानवर अपनी इच्छा से शेर पर हमला नहीं करेगा। तब एक उल्लू आया और वह बोलने लगा, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं शेर से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। कुछ जानवर प्रसन्न हुए। कुछ जानवरों को लगा कि उल्लू पागल तो नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि क्योंकि कोई भी शेर से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उल्लू तैयार हुआ। यह बात फैल गई कि अगली सुबह उल्लू शेर की मान में उससे भिड़ने जा रहा है। जब शेर को यह खबर का पता चला तो वह जोर से हंसने लगा। परिणाम स्वरूप अगले दिन सूर्योदय के समय शेर पूरी तरह से जगा हुआ था और उल्लू का इंतजार कर रहा था। अन्य सभी जानवर मौजूद थे, लेकिन उल्लू नहीं था। मिनट घंटे दिन बीत गए और उल्लू का कोई अता पता नहीं था। जब सूरज डूबने लगा और सभी जानवर अपने अपने घर लौटने लगे तो अतः उल्लू प्रकट हुआ। शेर चिल्लाया, तुम इतनी देर क्यों क्या कर रहे थे? मुझे क्षमा करें महाराज, उल्लू ने कहा। हालांकि वहां जाते समय मुझे एक विशाल शेर मिला और मैं उससे डर गया। यहां आने से पहले मुझे उसके सो जाने का इंतजार करना पड़ा। ओह, मुझे खुशी है कि मैं उसके बजाय आपसे लड़ रहा हूँ। शेर जो सुन रहा था वह उससे स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, क्या कोई शेर मुझसे भी ताकतवर है? उसने मांग की, मुझे उस शेर के पास ले चलो अब। परिणाम स्वरूप उल्लू उसे पास के एक गहरे कुएं में ले गया। उल्लू ने कहा, आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वह अंदर चला गया था। कुएं के अंदर शेर दहाड़ता हुआ आया और जितनी जोर से दहाड़ सकता था दहाड़ने लगा। स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिध्वनि उसे ही सुनाई दे रही थी। इस बार दहाड़ 5 गुना तेजी से सुनाई दे रही थी। बेवकूफ शेर इतना भयभीत था कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया। फिर कभी भी वह दिखाई नहीं दिया। उल्लू ने साबित कर दिया कि होशियार होना ही हमें मजबूत बनाता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि होशियार होना हमेशा मजबूत बनाता है और हमारी होशियारी कहीं ना कहीं हमेशा काम आती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी किडो फैंसी टीवी को सब्सक्राइब करें।